झारखंड में जमशेदपुर सीट को लेकर अभी तक कई सवाल सामने हैं, कयासी लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात ये सामने आ रही है कि आखिर बार बार ये चर्चा क्यों उठती है कि कुणाल सारंगी जेएमएम में आ रहे हैं और वो प्रत्याशी होंगे। कुणाल सारंगी से हमारी भी बात होती है तो वो खुद परेशान है, वो कहते हैं कि आखिर मैं एक ही बात का कितनी बार खंडन करता रहूं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन है जो लगातार इस बात को हवा दे रहा है कि कुणाल सारंगी फिर से जेएमएम में आ रहे हैं और जमशेदपुर लोकसभा से प्रत्याशी होंगे। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए कुणाल सारंगी से आपकी भी बात हुई कुछ दिनों पहले, हमारी भी बात हुई थी, तो वो यही कहते हैं कि आखिर बार बार खंडन मैं कितना करता रहूं। और जिस तरह से ये खबरें उड़ाई गई हैं, उन्होंने कई लोगों पर एक कहा जा सकता है नोटिस भी दिया है कि आखिर किस आधार पर इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। तो बड़ा सवाल, देखिए दल बदल तो होता है लेकिन दल बदल की बात चर्चा होती रहे और प्रत्याशी खुद इसका खंडन करता रहे, तो ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है। देखिए ये बात तय है कि कुणाल सारंगी विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक से सुर्खियों में कुणाल सारंगी आ जाते हैं कि वो जेएमएम का दामन थाम कर जरूर वो चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा में जा सकते हैं। लेकिन अब आज भी हमने कुणाल सारंगी जी से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कुछ लोग हैं जो इसे सगुफे छोड़ते हैं और इससे मैं खुद परेशान हूँ कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों की जा रही है, जब मैंने पहले ही खंडन कर दिया है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं बीजेपी का एक सच्चा सिपाही हूं, पार्टी जो हमें काम देगा वो मैं करता रहूंगा। लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती है, कयास लगाए जाते हैं और ये कयास इसलिए और बढ़ता जा रहा है कि जमशेदपुर सीट से अब तक इंडिया गठबंधन जो है वो अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। पहले सुर्खियों में सविता महतो की बेटी का नाम था लेकिन आखिरी वक्त में उनके नाम को रोका गया। तो आखिर क्या ये एक फार्मूला तय किया जाएगा कि जेएमएम में किसी को शामिल कराकर उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए? तो इसलिए चर्चा जो है लगातार सुर्खियों में रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जेएमएम के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, हमारे जो वर्कर हैं, जो हमारे सिपाही हैं, उन्हीं में से किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन राजनीति में संभावनाएं जो है हमेशा बरकरार रहती है। मदन, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कन्फ्यूजन तो देखिए कोई ना कोई जरूर पैदा कर रहा है, क्योंकि इससे पहले राज पालीवाल को लेकर भी इस तरह की खबरें चला दी गई। खुद कांग्रेस के बड़े आला नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने तक ट्वीट कर दिया था कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं और अब कुणाल सारंगी को लेकर इस तरह की चर्चा चल रही है। तो आखिर वाकई में लोग भी सोचते होंगे कि आखिर इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? बिल्कुल, ये मान सकते हैं आप कि चुनाव के वक्त में इस तरह की चर्चाएं जो है चलती है, सुर्खियां बनती है, लोग एक दूसरे दल में जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सूत्रों के हवाले से ये खबरें आती है, फिर खंडन भी होता है लेकिन फिर बाद में सच भी साबित होता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो कुणाल सारंगी की स्थिति में ऐसी नहीं हुई है। कुछ समय पहले ये ज़रूर चर्चा थी कि कुणाल सारंगी जेएमएम में जा सकते हैं, आज भी फिर से चर्चा उठी, लेकिन कुणाल सारंगी से जब हमारी बातचीत हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई संभावना नहीं। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इस तरह की चर्चा उठती है और जिस प्रत्याशी को दल बदल करना रहता है तो वो चुप्पी साध लेता है, लेकिन यहाँ कुणाल सारंगी बार बार कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी चर्चा हो रही है। बिल्कुल, देखिए वो बार बार कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन कौन उड़ा रहा है, ये एक चिंता का विषय है और हमारे छवि को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम बातें जो है कुणाल सारंगी कह रहे हैं, लेकिन चुनावी मौसम है, कई तरह की बातें जो है वो सामने आते रहती है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पहला मामला ऐसा आ रहा है कुणाल सारंगी का जिसमें उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर ये लगा रखा है मैं हूँ मोदी का परिवार, लेकिन इसके बावजूद बार बार उनके नाम की चर्चा चल रही है। तो आखिर सवाल वो भी यही उठा रहे हैं कि आखिर वो बार बार कितना खंडन देते रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि और एक दो दिनों की बात है, अब सच सामने आ ही जाएगा। जमशेदपुर प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट।